पे जेल और बेल का खुल्लम खुल्ला खेल है इस दौर में, इसी पे होंगे सीधे सवाल। एक सेकंड, अब आखिरी राउंड, आखिरी राउंड, आखिरी राउंड, आखिरी राउंड, आखिरी राउंड। अब हाथ में जोड़ी निवेदन है, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं किसी भी दल से, किसी भी व्यक्ति से, राष्ट्र बड़ा है या दल बड़ा है या व्यक्ति बड़ा? बच्चों बताओ, राष्ट्र बड़ा है या दल या व्यक्ति बड़ा? राष्ट्र बड़ा है ना, तो हम राष्ट्र के लिए एक साथ आए हैं। अच्छा। राष्ट्र के बचाने के लिए आए हैं हम सब, एक साथ राष्ट्र को बचाने आए हैं, क्योंकि राष्ट्र के पीछे ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, संविधान में विश्वास नहीं रखते। राष्ट्र को बचाने के लिए आए हैं? राष्ट्र को बचाने के लिए, एक दिन ये सब तुम्हें पता है, सिमी को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, लालू जी ने बचाया, ये राष्ट्र को बचा रहे हैं, सिमी के बचाव करने वाले। एक सेकंड, एक सेकंड, ये राष्ट्र बचाने का दावा करते हैं, वास्तविकता क्या? अरे यार, ये देखिए, ये अब आप गलत कर रहे हैं। ओके, ये राष्ट्र बचाने के नाम पर परिवार बचाते रहते हैं, इनका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। एक सेकंड, शांत होना पड़ेगा अनुराग, नहीं शांत होना पड़ेगा, हम गलत गलत है। 2007 में बहुत हिम्मत से बोला है संजीव झा जी ने कि बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, लेकिन एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री हिंदुस्तान में सिर्फ इन्होंने किया, ये सिर्फ दिल्ली में हुआ। अब 2000 नहीं, अनुराग जी को बता दें, 2007 में, 2007 में आप लोग गूगल करिएगा, 2007 में लक्ष्मणन एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने आंसू आंसू भर रोए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का धमकी पत्र उनके टेबल पर था, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का संपत्ति आय से अधिक का डिस्प्रोपोर्शनेट का केस लगा हुआ था रवि प्रतिशत द्वारा। रुक जाइए, आप भ्रष्टाचार पे मुख क्या खोलेंगे? आप दोनों मिले हैं क्योंकि आप दोनों का वो हाल था, आप क्या बताएंगे? आप समझिए, पाला वाला छोड़िए, हम कभी किसी को ना फंसाते ना किसी को बचाते, हमारा ठीक है, ठीक है, भ्रष्टाचार। ओके, आखिरी राउंड, आखिरी राउंड, ऑडियंस, ऑडियंस से कुछ कुछ सवाल। ओके ओके ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होके पूछिए, आप भी पूछिए और आपसे भी लेता हूँ। सर मेरा सवाल संजीव सर से, सर आपने बोला बसों में महिलाओं के लिए सीट फ्री करिए, सर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करें? महिला की सुरक्षा के लिए क्या करें, आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा क्वेश्चन उसे ही रिलेटेड है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ फ्री कर दिया है, पानी फ्री कर दिया है, पानी कितना स्वच्छ है आप ये बताइए। दूसरा सवाल ये है कि आपने बोला कि महिलाओं के लिए बस में सीटें फ्री कर दी है, निर्भया के बाद आपने ऐसा कौन सा कानून बनाया जिसे विमेन सुरक्षा फील कर सके? जी 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 जी, और किसका सवाल था? जी 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 जी, क्या सवाल, पॉइंट बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतना ही ध्यान देती है, तो कोचिंग सेंटर में जब पानी भर जाता है वहाँ MCD की गलती क्यों नहीं बताई जा रही थी? जी 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 जी, लेकिन 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 देखिए, ये कई सारे सवाल हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को ढूंढने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, और साथ ही साथ अनुराग आपको चिंता करनी पड़ेगी कि आखिरकार आप अब धर्म के बाद जाति देख रहे हैं आरोपियों के अंदर, आपको भी देखना पड़ेगा और इसका चिंतन और मनन करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये देश है हमारा के आज के एडिशन में इतना ही, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा। मेरे युवा मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम को देखा, नमस्कार। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल, देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।